अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास ICAI की ग्रीन अप्रूवल नहीं है तो आप हमसे अपना API अपडेट करवा के बग़ैर ICAI अप्रूवल के वापस ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बहुत ही अहम खबर से आगाह करती चलूँ कि इंडिया में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से UAE ने 25 अप्रैल से 10 दिन के लिए इंडियन वीज़ा होल्डर्स के लिए तमाम फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं। फ़िलहाल इमारात के लिए 10 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस दौरान अगर इंडिया में कोरोना केसेस में कमी ना हुई तो वो एयरपोर्ट्स बंद करने की तारीख को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ट्रांज़िट या कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पर कोई भी पाबंदी नहीं है। ऐसे लोग जो दूसरे ममालिक से इंडियन एयरपोर्ट से UAE आना चाहते हैं, इन पर कोई सफ़री पाबंदी नहीं लगाई गई। इमारात में सोना ख़रीदने का बेहतरीन मौका यही है। पिछले 10 रोज़ में सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में कुछ अरसे कबल सोने की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के लिए इसकी ख़रीद मुश्किल होती जा रही थी। ताहम अब आपके पास सोना ख़रीदने का सुनहरा मौका है। इमारात में गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोने की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 रोज़ के दौरान 20 करात सोने की कीमत में फ़ी ग्राम 4 दरहम की बड़ी कमी हुई है। 22 मार्च को 22 करात के 1 ग्राम सोने की कीमत 157.25 दरहम थी, जो 31 मार्च तक कम होकर 191.75 हो गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जिनका वतन आना जाना लगा रहता है। इस हवाले से इनके लिए अहम ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने दुनिया भर से आने वाले मुसाफिरों पर अहम शराइत आयद कर दी हैं। 1 मई से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को एक ऐप पर अपने बारे में मुकम्मल तफसील फराहम करना होगी। किसी भी शख्स को इस शर्त से रियायत नहीं मिलेगी। सिविल एविएशन ने बताया है कि 1 मई 2021 से जो भी मुसाफिर पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ के ज़रिए उतरेंगे, इन्हें अपने मुकम्मल कवायफ एक ऐप पास ट्रैक में दर्ज करना होंगे। इंदराज की ये जिम्मेदारी इन्हीं पाकिस्तान लाने वाली एयरलाइंस पर होगी। दुबई में रेस्टोरेंट्स के अंदरूनी हयातों में रोज़ी के औकात में ग्राहकों को खाना पेश करने की इजाज़त है। तहम आउटडोर फूड पॉइंट्स और शीशा कैफ़े को रोज़े के औकात में खाना मुहैया करने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में भी रोज़े के दौरान ग्राहकों को शीशा पिलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दुबई इकॉनमी की जानिब से कहा गया है कि तमाम रेस्टोरेंट्स रोज़े के दौरान अंदरूनी हयातों में ग्राहकों को खाना पेश कर सकते हैं। इन्हें माजी की तरह अब कोई पेशगी इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तहम ग्राहकों को बैरूनी हयातों में रोज़े के औकात में खाना पेश करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। इमारात की किसी भी रियासत में वर्क परमिट के बग़ैर काम करना गैर कानूनी है। ये वर्क परमिट वज़ारत इंसानियों वसाइल और इमारताइजेशन मोहरे या फ्री जोन अथॉरिटी की जानिब से जारी किए जाते हैं। इमिग्रेशन कानून की शिक नंबर 11 के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की UAE में तनख्वाह पर या तनख्वाह के बग़ैर मुलाजमत हरगिज़ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर किसी गैर मुल्की को किसी आजिर या इदारे में काम करने के लिए वीज़ा जारी किया गया है तो ये गैर मुल्की इस आजिर या इदारे की मर्ज़ी के बग़ैर किसी और जगह भी काम नहीं कर सकता। आजिर या इदारे की मंजूरी के अलावा डायरेक्टरेट ऑफ नेशनैलिटी एंड इमिग्रेशन की भी इजाज़त लेना लाजमी होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ICAI की ग्रीन अप्रूवल नहीं है और आप वापस यूएई जाना चाहते हैं तो आप हमसे अपना एपीआई अपडेट करवा के वापस यूएई जा सकते हैं। एपीआई अपडेट करवाने से आप 100% ट्रैवल करते हैं, आपकी टिकट और कोविड-19 टेस्ट के पैसे ज़ाया नहीं होते। अगर आप हमसे अपना एपीआई अपडेट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और अपना एपीआई अपडेट करवा के 100% ट्रैवल करें। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।